प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट के दौरान खुली अर्थव्यवस्था की पैरवी करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 6 साल के दौरान इसे खोलने, पारदर्शिता लाने और इनोवेशन के साथ कई सुधार के कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत ने $20 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। अमेरिका को अपना सहयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और हम आगे भी रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी निवेशकों को रक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का बढ़िया मेल उपलब्ध है। उन्होंने भारत और अमेरिका को एक स्वाभाविक मित्र बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत भागीदारी ने विगत कई ऊंचे आयाम तय किए हैं और समय आ गया है कि ये भागीदारी दुनिया को महामारी के बाद पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाए। भारत और अमेरिका दो जीवंत लोकतांत्रिक देश हैं जिनके मूल्य एक जैसे हैं। हम एक स्वाभाविक भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को एक बेहतर भविष्य की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को महामारी के दौरान $20 अरब से अधिक का निवेश मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की का मतलब है एक ऐसे देश में व्यापार के अवसरों का बढ़ना जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब है वैश्विक एकीकरण में वृद्धि, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रवेश जो वृहद पैमाने के कारोबार का अवसर देती है और जो आपकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ोतरी करती है और कुशल कार्यबल के साथ आपके निवेश का प्रतिफल बढ़ाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने इतिहास में अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा सृजित कर रहा है और अमेरिकी कंपनियां इसमें भागीदारी कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनियां लाखों लोगों के लिए मकान बना सकती हैं, सड़क, राजमार्ग और बंदरगाह बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश के काफी अवसर हैं। देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रहा है जिसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश के काफी अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश का न्योता देता है। देश का स्वास्थ्य क्षेत्र 22% की दर से वृद्धि कर रहा है। हमारी कंपनियां चिकित्सा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन का आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से किया गया है। काउंसिल की तरफ से अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया आइडिया सम्मेलन का इस वर्ष का थीम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।